हाय एवरीवन, वेलकम टू रागिनी स्पेशल किचन। में आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी चटपटी और मज़ेदार बटाटा वड़ा या आलू वड़े की रेसिपी, जिसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में या इवनिंग के समय चाय के साथ भी बना सकते हैं। और कभी कभी बारिश के मौसम में भी हमें कुछ अच्छा और चटपटा खाने का मन करता है, तब भी इसे आप बना सकते हैं और यह आसानी से और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बटाटा वड़ा बनाना शुरू करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। बटाटा बड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे सबसे पहले 1 कप बेसन। तो मैंने यहाँ पर फाइन वाला बेसन लिया है और उसे अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर हींग और 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, जिससे उसमें कलर अच्छा आ जाए। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। गाढ़ा घोल मतलब नहीं ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और नहीं ज़्यादा पतला। जब हम आलू की बॉल्स को इसमें डालें तो वह पूरी तरह से अच्छे से उसमें कोट हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं, बस इस तरीके का हमें घोल बनाकर तैयार करना है। बस बेसन का घोल बनकर तैयार हो गया है, इसे हम साइड में रख देंगे जब तक अब हम मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं और उन्हें छील लिया है और अब हम यहाँ पर इन्हें मैश कर लेंगे। तो सारे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम यहाँ पर गैस पर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे 1/2 टी स्पून जीरा और कुछ कड़ी पत्ते। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर तैयार किया है, तो 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी मतलब 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और उसके बाद जो हमने आलू मैश किए थे वह उसमें डालकर मसाले में उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा और चटपटा मसाला बनकर तैयार हुआ है। बस इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और उसे थोड़ी सी देर के लिए हम ठंडा होने देंगे। जब मसाला अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम यहाँ पर इसकी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारी बॉल्स बनकर तैयार हो गई है। अब जो हमने बेसन का घोल बनाकर तैयार रखा था उसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे चुटकी भर बेकिंग सोडा और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल अब अच्छे से गर्म हो गया है और जो हमने मसाले की बॉल्स बनाकर तैयार की थी वह बेसन में अच्छे से कोट करते जाएंगे और तेल में इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो इसे हम तब तक नहीं चलाएंगे जब तक ये नीचे से पूरी तरह नहीं सीख जाते हैं। जब ये नीचे से अच्छे से सीख जाएंगे उसके बाद हम इसे पलट पलट कर लेंगे और इसे हम गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। हम यहाँ पर बटाटा बड़ा तलने के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम हाई ही रखेंगे, एकदम हाई फ्लेम पर इसे फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो यह ऊपर से तो लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इसे मीडियम हाई पर ही फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं बटाटा बड़ा कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं, एकदम क्रिस्पी बनकर। वाओ, आप देख सकते हैं बटाटा बड़ा एकदम क्रिस्पी और चटपटे बनकर तैयार हुए हैं। इसे हमने मिर्ची और केचप के साथ सर्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको बटाटा बड़ा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।